हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ अ डे थ्री एट पचमढ़ी और आज हमने जल्दी चेकआउट कर लिया। अभी 10 बजे और हमने चेकआउट तो कर लिया, हम रेडी होके निकल रहे हैं। आज हम वाटरफॉल्स वगैरह देखेंगे, सब कुछ लेट्स सी क्या होता है। हेलो गाइस, अब हमें फाइनली आज जिप्सी भी मिल चुकी है, हमारी जिप्सी है और अभी हम इसी के साथ जाएंगे डॉशी म्यूजियम, जिसमें हम टिकट लेंगे और ब्रेकफास्ट करके, यही हमें ब्रेकफास्ट पॉइंट पे ले जाएंगे ब्रेकफास्ट करके, और आज हम पूरे वाटरफॉल्स कवर कर लेंगे। आज हमें बिल्कुल टाइम पे जिप्सी मिल गई है, बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं। और जिप्सी का प्राइस हमें पड़ा ये 3420 रुपये का। अभी बस हम जिप्सी में बैठेंगे और फिर हम निकलते हैं अपने फॉल्स के लिए। A few moments later. अभी हमें जिप्सी मिल चुकी है और अभी हम जा रहे हैं फॉल्स, सिल्वर फॉल, जो भी जितने भी फॉल हैं, सिल्वर फॉल, बी फॉल, डॉश फॉल, फरादे फॉल के नाम मुझे पता नहीं है। अभी हम फॉल्स जा रहे हैं पूरे और वहाँ पर जाके, सुना है कि सिल्वर फॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो देखते हैं वहाँ पर जाके कितना अच्छा व्यू मिलता है और क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं, ATM से पैसे निकालेंगे क्योंकि मोदी जी ने हमारा हाल ख़राब कर दिया कैशलेस करके। अब हमारे पास कैश नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका है 2 दिन में। हम जाएंगे ATM और फिर निकाल लेंगे कुछ मनी, मनी अपना सपना, मनी मनी। उसके बाद हम म्यूजियम जाएंगे, वहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करके हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा आज के दिन का आखिरी सफ़र। आखिरी सफ़र नहीं है हमारा, पचमढ़ी का आखिरी दिन का, सॉरी पचमढ़ी का आखिरी सफर है हमारा, मतलब समझ जाओ, मतलब आखिरी दिन है हमारा, मतलब सफर आखिरी नहीं है पर पचमढ़ी का आखिरी दिन का आखिरी सफर है हमारा। क्या कहना चाह रही है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसको ना एक करेक्शन वीडियो भी डालनी चाहिए। मतलब यार मैं बोल नहीं पा रही, मतलब भावना समझ जाओ, जो भी है हमारा आखिरी दिन है आज पचमढ़ी में। पचमढ़ी में आज हमारा आखिरी दिन है वो तो ठीक है, पर पचमढ़ी का हमारा आखिरी सफर है, शायद हम फिर से ना आए कभी, कुछ भी हो सकता है, दुनिया ख़त्म हो जाए पता नहीं। चलो फिर हम बस, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, बाय। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। बताओ तुम, मैं आज कितना एक्साइटमेंट है वाटरफॉल से देखने का। आज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मुझे वाटरफॉल देखने के लिए, मैं ये शूज़ खरीदने वाली हूँ क्योंकि कल की ट्रैकिंग के बाद मैं चलने लायक नहीं बची, बट स्टिल आई विल बाय न्यू शूज फॉर बिकॉज ऑफ माई न्यू एक्साइटमेंट एंड लेट्स सी, विल गिव यू फीडबैक एट द एंड। ओह, ये हमारी बहुत फैक्ट्री है, मतलब बहुत अच्छे वर्ड्स बोलती है। पहले तो कोई लड़की मिली वो भी विदाउट प्रिपरेशन। तुम बताओ क्या बोल रहे, मतलब कैसा लग रहा है तुम्हें आज वाटरफॉल से देखने जा रहे हो? हमें टाइम पे जिप्सी मिल गई, हम टाइम पे उठे, हम कितने ओबीडिएंट बच्चे हैं। बोले सेम सेम। पूछो तुम्हें कैसा लग रहा है? के आगे अच्छा लग रहा है, ओके बाय। तो आज हमारे आज के दिन का पहला स्पॉट म्यूजियम है देखने का, तो अभी हम म्यूजियम आ गए, हम उसे कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। साथ में हमने ड्राइवर को बोल के, वो यहाँ पे फॉल्स वगैरह के टिकट ले रहा है पूरे, जब तक वो फॉल्स के टिकट लेगा वाटर फॉल्स वगैरह के, उसके जब तक हम म्यूजियम देखेंगे और फिर हम निकल लेंगे वाटर फॉल्स। म्यूजियम में ऐसा कुछ देखने लायक तो है नहीं, पर हाँ टाइम है तो बस हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ मन था नहीं, बस देख रहे हैं। वाइसन लॉज है, उसी में ये दो म्यूजियम है जो कि हम देख रहे हैं। अब हम म्यूजियम आ चुके हैं, बस यही सब है म्यूजियम में, और कुछ तो मुझे ना याद दिख नहीं रहा है। अब हम आ गए नए म्यूजियम में, वानिकी संग्रहालय है। ये भी सेम ही है उसके जैसा, ऐसा कुछ नया नहीं है। इन्हें कोई चोरी भी नहीं करेगा तो कैमरा भी नहीं लगा रखा है। ये तो हर म्यूजियम में कैमरा लगा रहता है। गाइस, तो अभी हम लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं बावर्ची से, खाना अच्छा था पर सर्विस काफ़ी स्लो थी। और अभी खाना वाना के हम जिप्सी में बैठ गए हैं, बारिश हो रही है काफ़ी, हमने रेनकोट पहन लिया है और हम जा रहे हैं वाटरफॉल। कौन से वाटरफॉल पूछते हैं भैया, हम कौन से वाटरफॉल जा रहे हैं? सिल्वर फॉल उधर से चांदी की। अरे एडिटिंग में समझ लियो, अभी हम जा रहे हैं सिल्वर फॉल,
तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, अभी हम लोग सिल्वर फॉल पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी 1.5 किलोमीटर तक आपको चढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम उतर रहे हैं, पहले उतरना पड़ेगा फिर चढ़ना पड़ेगा। तो प्रिपेयर होके आए कि हर जगह नॉर्मल चीज़ें तो नहीं मिलने वाली हैं। और हमने कल ट्रैक किया था, उस वजह से तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इतने नी पेन कर रहे हैं, उतरने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या ही बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। क्या करें, फॉल्स देखने पॉइंट देखने तब चलना तो पड़ेगा ही, पर नी में काफ़ी दर्द हो रहा है। देखते हैं और कब तक आएगा, जल्दी से आ जाए। A few moments later. और मौसम तो काफ़ी अच्छा है, पर आने में थोड़ा दर्द हुआ नी में, जो कि कल ट्रैक किया था उससे काफ़ी दर्द हो रहा है अभी भी। पर अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश भी हो रही है तो रेनकोट भी पहनना पड़ रहा है। तो मैं आपको रिव्यू दिखाती हूँ। अभी हम सिल्वर फॉल देख चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं अप्सरा फॉल, जो कि इधर पास में ही है। उसके लिए भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, पर इतना नहीं है, पर हाँ करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लगा? अच्छा लगा, सिल्वर फॉल अच्छी जगह है, थोड़ा चलना पड़ा पर ठीक है। ठीक है शिवानी, हाय, कैसे लगा तुम्हें? बट जैसे अभी मैं गिर गई, वैसे तो आप अपने शूज़ ज़रूर लेकर आएँ, जूते लेकर आएँ, वाटर प्रूफ लेकर आएँ, और पत्थरों से संभले। यार मैं भी अभी गिर गई, तो ध्यान से चलें। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं अप्सरा फॉल, अप्सरा विहार। हाँ, उधर भी एक वाटरफॉल है, वो देखेंगे और फिर निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम अप्सरा फॉल आ चुके हैं। यहाँ का व्यू सच में ज़्यादा अच्छा है, सिल्वर फॉल से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल देख रहे हैं। वहाँ पे तो हम इतनी दूर से वाटरफॉल देख रहे थे तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो अप्सरा फॉल ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सिल्वर फॉल से, पर सिल्वर फॉल फेमस है। मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ। ये अप्सरा फॉल है, इधर से पानी बह रहा है और इधर ऊपर से हम चढ़ कर आए इधर पूरा। तो अभी हम जा रहे हैं बी फॉल। अभी हम 3 फॉल कवर कर चुके हैं, सिल्वर फॉल, अप्सरा फॉल और डॉस फॉल। बी फॉल शायद हमारा आखिरी स्पॉट हो, और अगर टाइम बचता है बी फॉल के बाद तो हम शायद एक और फॉल चले जाएं, पर आज शाम को ट्रेन है तो मे बी ना जाएं। लेट्स सी क्या होता है। नाउ लेट्स गो टू बी फॉल एंड एंजॉय द व्यू। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बी फॉल से,
और आज की जर्नी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज का दिन हमारा अच्छा रहा, मज़ा आया। चार फॉल्स हमने कवर किए, बी फॉल, सिल्वर फॉल, अप्सरा फॉल, एक और कोई फॉल था नाम याद नहीं है, वो चार फॉल हमने कवर किए। अच्छा लगा, कैसा लगा तुम्हें आज के दिन? चाय बहुत अच्छी थी जो फॉल पे पानी आंखों में आ रहा था, आप फॉल को देख ही नहीं पाएंगे तो आप दूर रहे। और सीढ़ियाँ उतरने का पहले बता दूँ, अगर आप चौड़ा कर जा रहे हैं तो एक दिन का ब्रेक लेके जाए क्योंकि वरना आपको बहुत दिक्कतें होंगी। या फिर आप वाटरफॉल पहले जाएं फिर बाद में चौड़ा कर जाएं तो ज़्यादा सही रहे। तो दिन यही था बस, पचमढ़ी की हमारी कुछ इतने भी स्पॉट्स तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गए, जो बचे वो हम कर भी नहीं सकते तो हम करेंगे भी नहीं, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि जो करने चाहिए। तो अभी 4:30 तो बज ही गए, हमें 6 बजे यहाँ से निकलना है, ये 8 बजे ट्रेन है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। बी फॉल पे नहाया तो पूरे कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं, तो अभी चेंज वेंज करते हैं, फिर थोड़ा खा पी कर हम निकल जाएंगे यहाँ से, पचमढ़ी से। अभी हमने चेंज भी कर लिया, चेकआउट भी कर लिया, बस हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम पचमढ़ी से निकल जाएंगे पिपरिया के लिए। और अभी ये मार्केट में चेकआउट कर लिया, एक जगह हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। टवेरा है, हमने शेयरिंग में लिए तो हमें 800 रुपीज़ की पड़ गई, 4-5%, नहीं तो थोड़ी कॉस्टली मिल रही थी क्योंकि वीकेंड है तो 1200 से कम तो रेट थी ही नहीं यहाँ पे, तो और महंगी पड़ेगी, वो आपको 2500 के अराउंड पड़ेगी, पर हमने शेयरिंग में लिए तो हमें 800 के करीब पड़ गई। चलो हम निकलते हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है, फिर मिलते हैं स्टेशन पर। बाय। पचमढ़ी का सफ़र हमारा ख़त्म, 3 दिन का, काफ़ी इंजॉय किया, मौसम काफ़ी अच्छा था, तीनों दिन बारिश हुई, रेन कोट हमारे यूज़ में आ गया जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ का था पर यूज़ में आ गया, काफ़ी सही लगा। चलो मिलते हैं, इंजॉय किया ट्रिप को, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक दिस चैनल और ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।